केंद्र सरकार की पहल पर खतौनी की तर्ज पर राजस्व गांवों के आबादी वाली जमीनों की घरौनी तैयारी की गई है। स्वामित्व योजना के तहत बनने वाली घरौनी के रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन लाभार्थियों को वितरित किया गया। इस घरौनी यानी ग्रामीण आवासीय अभिलेखों में आवासीय संपत्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज किया गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार किए गए प्रॉपर्टी कार्ड का डिजिटल वितरण रविवार को जिले के चयनित 10 ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के हाथों किया गया है। इस दौरान गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि जिले के 10 न्याय पंचायतों में स्वामित्व योजना के तहत घरौनी कर प्रॉपर्टी कार्ड के हार्ड कॉपी का वितरण किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों को पहली बार मिलने वाली घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड में संपत्ति के स्वामी का जिला, तहसील, ब्लॉक, थाना, ग्राम पंचायत का नाम दर्ज है। ग्राम कोड और गांव के नाम का भी उल्लेख किया गया है। प्रॉपर्टी कार्ड में सर्वेक्षण वर्ष भी अंकित किया गया है। संपत्ति की आबादी, गाटा संख्या और भूखंड संख्या भी दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रत्येक भूखंड का 13 अंकों का यूनिक आईडी नंबर भी अंकित किया गया है। कार्ड में संपत्ति के वर्गीकरण को भी इसमें दर्शाया गया है, जिससे पता चले कि संपत्ति किस श्रेणी या उपश्रेणी की है। आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में और उसकी सभी भुजाओं की संख्या और उनकी लंबाई भी घरौनी में दर्ज की गई है। भूखंड की चौहद्दी का भी उल्लेख किया गया है, जिससे बाद में कोई भी जमीनी विवाद ना उत्पन्न होने पाए। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोग्रवाल ने कहा, ठाकुरी गुलेची राम जी, शंभुनाथ गुप्ता, शंभुनाथ गुप्ता, जितेंद्र ने सांझा में दर्ज किया, उमेश मिश्रा जी कहाँ हैं? उमेश मिश्रा जी, राधिका पत्नी मिराली, राधिका पत्नी मिराली, प्रियांशु उपाध्याय, राम बहाल, राजेश उपाध्याय, राजेश उपाध्याय, राजेश उपाध्याय, विन्याचल, विन्याचल है, नहीं वो दस्तक कराया गया था, फिर बुलाया गया था। विन्याचल क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विन्याचल के लड़के हैं, विन्याचल के लड़के हैं, विन्याचल के आपका क्या नाम है? कुलदीप के पिताजी हैं। एक सेकंड, कुलदीप जी आइए, इंद्रजीत, इंद्रजीत है यहाँ पे, इंद्रजीत है ना, जवाहर प्रसाद, जवाहर देवेंद्र यादव, कृष्ण कमल उपाध्याय, मुन्नी लाल, अकालू, आराम से आराम से, मुन्नी लाल चाचा आप होने आई हैं राई, मुन्नी लाल, अकालू, अरे दादा चलो चलो ठीक है, अकालू, अर्जुन, 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 हाँ, गुटी देवी, रुदल, रुदल रामचरण, रुदल आ जाए। साथियों, आप देख इस कोरोना काल में जितने हमारे डॉक्टर साहबान थे, चाहे राजस्व की टीम, यहां तक कि परिवार के अगर किसी को कोरोना हो जाता था, परिवार के लोग छूना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमारे डॉक्टर्स, पुलिस के, हमारे भाई, राजस्व के लोग हर जगह मदद पहुंचाने का कार्य किए, चाहे सब सफाई कर्मचारी आते थे, जो लगातार मेहनत कोरोना काल में किए हैं, हमारे एसडीएम, एक सब कोरोना पार्टी हुए हैं साथियों, चाहे हमारे सीएमओ गैस योजना के तहत गैस पहुंच गया,
इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, जहां जिस प्रदेश की आबादी अकेले 24 करोड़, 1/5 आप है पूरे भारतवर्ष की आबादी उत्तर प्रदेश की है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में इतने लोग विचार की सुविधा दिए हैं, गांव गांव स्तर पर जांच हो रही है। ये देश का पहला राज्य है इतनी इतनी जांचें हुई, इतनी घनी आबादी। और सभी यहां पर हमारे जितने इस ग्राम सभा से आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24/4/2020 को स्वामित्व योजना की उन्होंने शुरुआत किया था। अब स्वामित्व योजना क्या है इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, और बाकी हम आपको इस मंच के माध्यम से बताने का भी प्रयास करेंगे। स्वामित्व योजना में जैसे आपकी जमीन है तो आपके पास इंतखाब होता है, खतौनी होती है, उसी तरह से जो ये आपके जहाँ पर आबादी भाग में गांव में जो आप मकान बनाए हैं उसका घरौनी के नाम से आपको कागज यहाँ पर 142 लोगों का यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरित होगा। ये एक बहुत बड़ा एक कदम है सरकार का कि गांव में आपके पास मकान तो है लेकिन आपके पास उसका कागज नहीं है, और गांव में आए दिन निरंतर एक दूसरे की जमीन को कब्जा कर लेना और उसको लेकर के कोर्ट कचहरी में दौड़ना, मैं समझता हूं कि कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां पर इस तरह के विवाद न हो। हर गांव में इस तरह के विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं जमीन के। तो अब आपका जो ये पेपर मिलेगा जो घरौनी का, इसमें बकायदे आपकी चौहद्दी होगी, चौहद्दी में आपका पूरब क्या है, पश्चिम क्या है, उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, सबका नाम लिखा होगा, कितनी जमीन है वो रकबा वर्ग मीटर में लिखा होगा। आज हमारे हमने गोरखपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिलाधिकारी सर के निर्देशन में हमने 10 गांव का चयन किया था तहसील सदर में। आज 7 गांव में घरौनी का वितरण माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ऑनलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वार्ता करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ पर भी हम माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक पेपराइच महेंद्रपाल सिंह जी, इनके माध्यम से हम 7 गांवों में कैंप लगाकर घरौनी का वितरण करवा रहे हैं। जमुनिया में, बिशनपुर खुर्द में, इस तरीके से हमारे 7 गांव हैं जहाँ पर घरौनी का वितरण हो रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक कदम है, इसमें अब तक जो गांव में आबादी थी उसको ना केवल एक स्वरूप, एक लीगल आधार मिला है, बल्कि बैंक में मॉर्गेज रखकर उसके उस पर भी आपको लोन की सुविधा दी जा रही है जो अब तक नहीं थी। तो इससे ना केवल एक तरफ स्वावलंबन और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ जो विवाद होते हैं आबादी को लेकर उसमें भी कमी आएगी। सर, स्वामित्व योजना में जो डिजिटल घरौनी बात हो रही थी, क्या डिजिटल सब कुछ रहेगा इसमें? ये घरौनी का ये बेसिकली प्रॉपर्टी कार्ड होता है, जैसे हम खतौनी का जैसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, खतौनी जो उसको डिजिटल ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जाकर अपने खेत की, अपने जितनी भी भूमिधरी है उसकी ज़मीन को ले सकता है। इसी प्रकार, इसी आधार पर जैसे शहरों में मकान नंबर होते हैं, शहरों में नगर निगम या GDA के माध्यम से कोई भी मकान नंबर होता है उसका टैक्स जमा होता है, उसका एक प्रॉपर कार्ड होता है, उसी तर्ज पर हर गाँव में हर आबादी के प्रत्येक घर को आइडेंटिफाई करके उसका एक प्रॉपर्टी कार्ड बना है, और प्रॉपर्टी कार्ड एक स्वामित्व का आधार है बेसिकली। तो अब हर घर का स्वामित्व उसके स्वामियों को मिलेगा और उसके आधार पर वो अपना किसी भी प्रकार के प्रायोजन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है और उस पर लोन भी ले सकता है, और इससे न केवल आर्थिक मदद मिलेगी बल्कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं आबादी में, वो भी कम होंगे।